नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी। मधुमिता हत्याकांड में मुख्य आरोपी रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी दोषमुक्त होकर कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुए थे। भले ही इस केस में अमरमणि बरी हो गए हैं, लेकिन एक दूसरे मुकदमे ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने बस्ती के पुलिस अधीक्षक को यह आदेश दिया है कि अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए। 22 साल पहले एक व्यापारी के बेटे के अपहरण में अमरमणि त्रिपाठी सहित 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद लगातार अमरमणि को समन कोर्ट की ओर से भेजा जा रहा था, लेकिन वह बीमारी का हवाला बनाकर कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके बाद सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट के जज ने उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बस्ती के पुलिस कप्तान को यह आदेश दे दिया कि हर हाल में उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए, ताकि कोर्ट की आगे की कार्रवाई की जा सके। दरअसल साल 2001 में बस्ती के व्यवसायी धर्मराज के बेटे का अपहरण हुआ था, जिसमें अमरमणि त्रिपाठी सहित 3 लोगों का नाम आया था। इस मामले में अमरमणि सहित 3 लोगों पर अपहरण जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में न्यायालय ने अमरमणि त्रिपाठी सहित 3 वांछितों को कई बार गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का आदेश पारित किया, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम रही। काफ़ी दिनों तक अमरमणि मधुमिता शुक्ला हत्याकांड केस में लखनऊ, गोरखपुर समेत विभिन्न जेलों में बंद रहे। अमरमणि त्रिपाठी की गिनती पूर्वांचल के बाहुबली नेताओं में होती है। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में वह लंबे समय से जेल में बंद रहे, लेकिन बाद में उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया। हालांकि मधुमिता की बड़ी बहन निधि शुक्ला ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अगर मेरी या मेरे परिवार की हत्या हो जाएगी, अमरमणि जैसे क्रिमिनल के लिए वो सब कुछ मैनेज कर सकता है। कृपया रोक लगा दीजिए, रिहाई पे रोक लगवा दीजिए, गवर्नर साहिबा रोक लगा दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री रोक लगा दीजिए उस पर। और पहले भी हमने चिट्ठियों द्वारा उनको सारी सूचना भी दी है, 1 महीने से दे रहे हैं, कम से कम 4-6 या 7 चिट्ठी गवर्नर साहब को सारे सबूत के साथ दे चुके हैं। जो आरटीआई से सरकारी कागज है जो ये बताते हैं कि अमरमणि जेल गया ही नहीं, फिर हम जाएंगे, लेकिन अब देखिए क्या होता है, क्योंकि अमरमणि ऐसा मास्टरमाइंड है जो सब कुछ मैनेज कर सकता है। अगर आपको महामहिम गवर्नर साहिबा, माननीय मुख्यमंत्री, अगर आपको इंसाफ करना है, मधुमिता केस में इंसाफ करना है, तो अमरमणि मधुमणि के प्रति निष्ठा नहीं बल्कि ऐसे हत्यारों की सजा पर रोक, रिहाई पर रोक लगा दीजिए, रोक लगा दीजिए। अमरमणि त्रिपाठी नौतनवा सीट से विधायक का चुनाव जीते थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अन्य तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।